स्टूडेंट्स, आई एम योर क्राफ्ट टीचर नीतू। आज मैं क्राफ्ट में आप लोगों को मास्क बनाना बता रही हूँ। मास्क आप लोग बर्थडे पार्टी में थीम ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें ये मास्क भी थीम के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जो बन करके कुछ इस तरह से आएगा। ये मास्क बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है पहले मैं ये बता देती हूँ। एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे बच्चों, जब भी हम कोई क्राफ्ट का सामान यूज़ करेंगे तो जिस टेबल पर बैठ के हम क्राफ्ट बना रहे हैं उसके ऊपर एक ओल्ड न्यूज़पेपर रखेंगे। इससे क्या होता है कि नीचे का जो सरफेस है उस पर क्राफ्ट करते समय आपका ये कलर वगैरह उस पर नहीं लगेगा। तो इसके लिए मटेरियल चाहिए आपको कलर, एक क्लॉथ्स, एक बाउल में थोड़ा सा पानी, सीजर्स, पेपर कटर, पेंसिल, इरेजर और ब्रश। ब्रश भी दो तरह की होती है, एक फ्लैट ब्रश, एक राउंड ब्रश। आप दोनों में से कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बेटर होगा राउंड ब्रश, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों के घर में मास्क बनाने के लिए शादी का कार्ड या चार्ट पेपर वगैरह हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। जो भी जिसका भी कड़ा हो, जैसे चार्ट पेपर कड़े वाले लेंगे या शादी का कार्ड होगा वो आप यूज़ करेंगे, उस पर पहले आप मास्क का ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इस तरह के मास्क को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप उसको सीजर से कट कर लेंगे। ये आइज जो हमने बनाया है, ये आइज को पहले ड्रॉ करने के बाद ये सीजर से नहीं कटेगा, इसके लिए हम पेपर कटर का यूज़ करेंगे। पेपर कटर से ये कट कर लिया गया है, तो मैंने ये कट कर लिया है। अब मैं इसको कलर करूँगी। कलर करने से पहले मैं पहले इस पर आउटलाइन बनाऊँगी पेंसिल से कि किस तरह से इसको कलर करते हैं। अब आप देखो बच्चों, मैं इस पर कैसे कर रही हूँ। ये पेंसिल से ड्रॉ करने से आप आसानी से उसको ब्रश से चला सकते हो, नहीं तो फिर ये आपको बनाने में दिक्कत होगी। आप देख रहे हो, ये मैंने पेंसिल से इस पर आउटलाइन दे दिया है। अब मैं इस पर कलर करूँगी। आप चाहे तो कोई भी कलर इस पर यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो भी हो वो कलर आप इस पर यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर लिया है, ये मैंने चार कलर लिया है, ब्लू, मजेंटा, ब्लैक एंड येलो। सबसे पहले ब्रश को इस तरह गीला करेंगे, फिर हल्के से इसे पोंछ लेंगे। फिर आप देखो मैं इस पर कैसे कलर कर रही हूँ। मैंने जो आउटलाइन दिया है उसी के अंदर मुझे ये कलर करना है। अब बिल्कुल इसी तरह मुझे इधर भी करना है। ये मैंने ये कलर कर लिया। अब इसी कलर को मैं नीचे में दे रही हूँ। आप चाहो तो किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हो आप इस पर, जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो।
ये मैंने ये कलर कर लिया। अब हम ब्रश को धो लेंगे और ये क्लॉथ्स में पोंछ लेंगे ताकि जब भी हम दूसरे कलर का यूज़ करेंगे तो ये मेरे ब्रश में पहले से लगा हुआ नहीं हो। आप देख रहे हो बच्चों मैं कैसे ब्रश कर रही हूँ। आप जब भी ब्रश चलाओगे ना तो एक ही तरह से चलाना। बहुत बच्चे करते हैं कभी ऐसे ब्रश कभी ऐसे ब्रश, नहीं ये कभी नहीं करना है, एक ही तरह से ब्रश को चलाना है, या तो ऊपर नीचे या राइट एंड लेफ्ट। अब मैं इसी तरह से इधर भी कर लूँगी। इससे हमने येलो कलर कर लिया है। अब येलो कलर करने के बाद अब इसमें मैंने ब्लू किया है। जिस तरह से मैंने सारे कलर किए हैं उसी तरह से इस ब्लू को भी हमें उसी तरह से करना है। देख रहे हो बच्चों ये जब आप लोग अपने बर्थडे पार्टी में पहनोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? एक तो ये सुंदर है, दूसरी बात ये आपने बनाया है। फिर इधर भी हम लोग उस तरह से कलर कर लेंगे। ये हमने कलर कर लिया। अब हम फिर ब्रश को धो लेंगे। आपने देखा बच्चों मैंने किस तरह से ये मास्क बनाया है। अभी ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, अभी इस पर अभी और काम करेंगे हम। ठीक है, अभी हम इस पर और काम करेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमने इन तीनों कलर का यूज़ कर लिया है, अब हम इस पर ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। ब्लैक कलर से हम इस पर आउटलाइन देंगे। आउटलाइन देने के लिए बिल्कुल बारीक 0 नंबर का ब्रश हमने यूज़ किया है। अगर ये ब्रश आप लोग के पास नहीं हो तो आप पेंसिल को साफ कर लेंगे और पेंसिल के कॉर्नर से इसको आप कर सकते हो। फिर उसी तरह हम ब्रश को धो लेंगे। अब हम इस पर आउटलाइनर चलाएंगे। ये मैंने एक तरफ किया है, अब वैसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे। ये तो हमने ऊपर पे किया, अब हम आँख पे करेंगे। आँख पे करने के लिए
इधर मैंने चौड़ा किया है और वो धीरे धीरे पतला हो गया। अब इस साइड भी हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। मैंने आउटलाइनर बीच में रोक दिया है क्योंकि मैं यहाँ के सरफेस को प्लेन नहीं छोड़ सकती, इस पर भी हमें कुछ करना है, तो हम इस पर इस तरह का डिज़ाइन दे देते हैं क्योंकि ये खाली खाली कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अगर ये आपसे खुद ऐसे नहीं बने तो कोई बात नहीं, आप पहले उसी तरह इसको पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, पेंसिल से ड्रॉ करके तब फिर उस पर कलर चलाना। अब हम इस ब्रश को फिर से धो लेंगे। अब हमारा बचा हुआ आउटलाइनर हम इस पर चलाते हैं। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह चौड़ा चौड़ा से फिर पतला। ये देखिए हमने चला लिया एक तरफ, अब इस साइड भी हम उसी तरह करते हैं। ये हमारा आउटलाइनर भी इसमें चल गया है। अब ये हमारा मास्क लगभग तैयार हो चुका है, पर ये बहुत ज़्यादा साइनी नहीं कर रहा है। इसको साइनी करने के लिए हम इस पर कुछ और यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर लिया है, आप इसकी जगह पे ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम इस पर ग्लिटर यूज़ करते हैं और इस मास्क को और सुंदर बनाते हैं। अब ये मास्क जो मैंने शुरू किया है मैं वहाँ से शुरू करती हूँ, बिल्कुल पतला लाइन। आप ऐसे ही ग्लिटर का भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी मैंने आउटलाइन दिया है वहाँ मैं इसको दे देती हूँ। अभी ये आँख के किनारे किनारे आप देख रहे हो बच्चे मैंने कैसे किया है। अब मैं ये मास्क के बिल्कुल किनारे किनारे जैसा कटिंग है उस कटिंग के अनुसार मैं इसे चला ले रही हूँ। अब इस तरफ भी मैंने वैसे ही किया। जो मास्क का बिल्कुल शेप है ये आउटलाइनर लगाने से वो बिल्कुल खिलकर आएगा।
अब हम इसे थोड़ी देर धूप में सूखने के लिए डाल देते हैं। जब ये धूप में सूख जाएगी फिर इसका कलर दूसरी तरह से आएगा। इसे हमने धूप में रख देते हैं। तो अब ये मेरा मास्क तैयार हो गया है, जो बन करके कुछ इस तरह से होगा। ये मास्क जब पूरी तरह बन जाए तो इस साइड में और इस साइड में दो होल कर लेंगे। इस दोनों होल में एक पतली सी रबर या धागा कुछ भी लगा करके फिर इस मास्क को हम इस तरह से पहन लेंगे और अपनी पार्टी में इंजॉय करेंगे। थैंक यू।